मदर्स होती हैं वो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड उसकी वजह से कुछ फीमेल्स जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंड उससे क्या होता है तो बिल्कुल आइसोलेशन, यानी कि अकेले तो रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम 2 to 3 वीक से बियॉन्ड जाता है डिप्रेशन और ये सिम्टम्स रहते हैं तो आप तुरंत जो है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कब हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और कब तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है, कब माइल्ड रहता है, सीवियर कब होता है, एंड हमें इमीडिएट बेसिस पे मेडिकल कंसल्टेशन की कब ज़रूरत पड़ती है। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस का, जो कि एक मदर की लाइफ में बर्थ, बेबी को बर्थ देने के बाद में आता है और उसकी एक्सेप्टेंस कुछ कुछ मदर्स होती हैं वो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड उसकी वजह से कुछ फीमेल्स जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंड उससे क्या होता है उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो समझ नहीं पाती हैं कि क्या हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, एंड कभी कभी जो डिप्रेशन होता है उसके सीवियरिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कुछ कुछ फीमेल्स में 1 से 2 हफ्ते में ये डिप्रेशन का जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है वो 1 से 2 हफ्ते तक के लिए रहता है, एंड उसके बाद में वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, न्यू चेंज को वेलकम करना शुरू कर देती हैं, अपने मदरहुड को इंजॉय करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर जो डिप्रेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है एंड वो हील हो जाती हैं। बट कुछ कुछ मदर्स को टाइम ज़्यादा लगता है एंड बहुत ज़्यादा लगता है, उनके सीवियरिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे को एक्सेप्ट ना करना, हमेशा रोते रहना, किसी किसी फीमेल्स में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उनको, अपने आप को हार्म करना करने की कोशिश करती हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहना, होपलेसनेस रहना, वर्थलेस फील करना, ये सारी फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप ऑल ऑफ अ सडन शुरू हो जाती, अपनी बॉडी को नहीं लाइक करना, अपना जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, वगैरह वगैरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड जब ये 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग रहता है, यानी कि मंथ्स चल रहा है और डिप्रेशन उनका ठीक नहीं जा रहा है, तब हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और हमें इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि अगर हमारा डिप्रेशन 2 हफ्ते से ऊपर या 2 से 2.5 हफ्ते या 3 हफ्ते से ऊपर जा रहा है तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि बेचैनी सी हमेशा रहती है सोने में, बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं। पहला तो ये है कि मदर्स जो हैं बेबी को डिलीवर करने के बाद में फटीग बहुत आ जाती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ में फिर ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा फटीग और टायरिंग जॉब है, एंड वो मदर को पूरे पूरे दिन करना होता है जब तक कि बच्चा 6 मंथ्स तक नहीं हो, क्योंकि बेबी जो है 6 मंथ तक कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क पर या टॉप मिल्क पर डिपेंडेंट रहता है, तो उसमें मदर को फटीग आ जाती है। बट और जो मदर के डिप्रेशन लेवल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं वो काफ़ी उनके अंदर सीवियर फटीग रहती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एंग्शियस रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, हमेशा एक सैड मोड में रहती हैं, एंग्शियस एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बड़े होते हैं, हमेशा रोना, उस तरीके की फीलिंग डेवलप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सिम्टम्स पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड चेंजेस बहुत होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है मदर की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक डिप्रेशन का कारण बनती हैं। बट जैसे मैंने बताया है 1 से 1.5-2 हफ्ते के आसपास में कुछ मदर्स जो हैं, या काफ़ी मदर्स मैं बोलूँगी, वो इस न्यू चेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड फिर उसके बाद में उनकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है, वो पेरेंटहुड को वेलकम करती हैं, बेबी को बर्डन नहीं लेती हैं, उसको इंजॉय करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को इंजॉय करती हैं, एंड साथ साथ में फिर उनका जो डिप्रेशन है वो भी चला जाता है। बट कुछ फीमेल्स में डिप्रेशन की जो सिवेरिटी है वो इंक्रीज़ होती है, तब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, एंड देन दे कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू फॉर द मेडिकेशंस। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं,
अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन को हम किस तरीके से हील कर सकते हैं और क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए। फर्स्ट इज़ हैव इनफ स्लीप, यानी कि आपको जब जब टाइम मिले तब तब आप सोइए, मैक्सिमम अपना रेस्टिंग पीरियड बढ़ाइए, जितना आप मर्जी सो सकते हैं आप उतना बॉडी को हील करने के लिए आप रेस्ट टाइम लीजिए, यानी कि एक अपना टाइम लीजिए जिससे कि आप सो सके, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा टीडियस होता है, हर दो दो घंटे के बाद में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है, उसकी वजह से मदर जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, कई कई बार नींद नहीं पूरी होती। तो आप ये कर सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रख दीजिए एंड देन यू कैन हैव अ गुड स्लीप। आप सोने चले जाइए 3-4 घंटे या 4-5 घंटे, जितनी भी देर आपको सोना है, आपके पीछे से बच्चे को दूध पिला दिया जा सकता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फैमिली मेम्बर से कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए वो टेक केयर कर लें, या फिर आप नैनी भी रख सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन यू कैन ऑल्सो कीप नैनी, जिससे कि बच्चे को वो टेक केयर हो जाए और आपको रिकवरी टाइम मिल जाए। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हैं हल्की हल्की वॉक, लाइट वॉक, पहले 10 से 15 मिनट से शुरू करिए, देन फिर उसके बाद में उसका टाइमिंग जो है आप बढ़ाते चले जाए, 20 मिनट आधा घंटा जैसे भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, पर वॉक करना ज़रूरी है, जैसे कि आपका जो बॉडी है वो हील होगी, आपके मन को शांति भी मिलेगी एंड आप हैप्पी फील करेंगे। थर्ड इज़ डू योगा एंड डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करना एक्चुअली वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्योंकि एक तो आपकी सोल और माइंड को बहुत शांत करती है, आपके आपकी जो नॉर्मल बॉडी के जो वाइटल्स हैं उनको कंट्रोल में लेकर आती है, आपका मूड जो है वो अच्छा करती है, बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आती है, एंड उसकी वजह से अगर आपको हल्का माइल्ड डिप्रेशन भी है आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड की वजह से हमारी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार होता है कि बॉडी में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो अपने हाइड्रेशन लेवल्स को बेटर रखें, खूब सारा पानी पिए, खूब सारा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। फोर्थ इज़ मेंटेन हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस डाइट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए आपके खाने में, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और विटामिंस, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली हील होगी, आपको बेटर फील होगा एंड आपका जो रिकवरी टाइम है वो लंबा होने की जगह फटाफट से आप रिकवर कर सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज़ सप्लीमेंटेशंस को ऑन चेक रखिए, यानी कि जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं, आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3, ये सारे सप्लीमेंट्स को आप रेगुलर और एक फिक्स इंटरवल पे लें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर करेगी। जल्दी बॉडी रिकवर करेगी, आपको अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा तो आपका जो हल्का सा भी जो अंदर एक एंग्जाइटी लेवल है या फिर डिप्रेशन जो है थोड़ा बहुत भी, वो फटाफट से हील हो जाएगा। और जब आप अंदर से अच्छा सा फील करेंगे तो आपको सारी चीज़ें, अपनी सराउंडिंग जो है वो अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट इज़ क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए टाइम निकालना, अपनी जो आपको चीज़ें पसंद है उस चीज़ को करना, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा टीडियस होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, एंड आपने बेबी डिलीवर किया है, एक तो उसका पेन, देन फिर उसके बाद में फटीग, और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर नैनी की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ में स्पेंड करना। अब काफ़ी लोगों का कहना ये हो सकता है कि हम तो टाइम तो स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ में, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ में? यानी क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध पिलाना, पॉटी साफ़ करना, सुसु क्लीन करना, उसको नहलाना धुलाना, ये क्वालिटी टाइम नहीं होता है। क्वालिटी टाइम होता है जहाँ पर आप हो और आपका बेबी हो बस, और आप बच्चे को स्किन टू स्किन कर रहे हैं, आप बच्चे को कडल कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, ये होता है क्वालिटी टाइम। जिससे ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इसलिए भी ज़रूरी है, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई होगी उसको इंक्रीज़ करेगा, तो उससे ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज़ होता है और वो सडनली आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ करता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे और आप बहुत खुश फील करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के साथ में कनेक्टेड फील कर सकते हैं। लास्टली रिसिस्ट
आइसोलेशन। आइसोलेशन में तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। अगर आप न्यूली मदर हैं और आपको लगता है कि मैं चीज़ों से कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, तो बिल्कुल आइसोलेशन यानी कि अकेले तो रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों से बात करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको फ़ोन पर बात करना अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से अच्छा लगता है, तो उन लोगों से बात करिए, एक्सप्रेस करिए अपने आप को, कम्युनिकेट करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी की एक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी होती है, तो अपनी वो जर्नी को सब लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको बहुत डिलाइटेड फील होगा और आपका जो मन है वो भी बहुत शांत रहेगा। एंड लास्टली, अगर ये सब कुछ नहीं काम होता है और आपका 2 वीक्स या 2 to 3 वीक्स से बियॉन्ड जाता है डिप्रेशन और ये सिम्टम्स रहते हैं, तो आप तुरंत जो है मेडिकल हेल्प लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। और उसमें बिल्कुल भी घबराने की या हेजिटेट करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि चीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर डॉक्टर को लगता है, देन दे कैन स्टार्ट अप विद द मेडिकेशंस आल्सो। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, जो हर काफ़ी ज़्यादा विमेन जो हैं उससे सफ़र कर रही हैं। उसको हमें आइडेंटिफाई करना, राइट तरीके से उसका क्योर करना, एंड देन फिर उसके बाद में मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ में सिर्फ अकेले मदर्स का रोल नहीं प्ले होता, ओवरऑल सारी फैमिली मेम्बर्स का भी रोल प्ले होता है, कि वो न्यूली मदर को वेलकम करें, बहुत प्यार दें उनको, उनका कंफर्ट को मेक श्योर करें कि वो कंफर्टेबल हैं, उनको जो फटीग है उसमें उनकी हेल्प करें रिकवर करने के लिए, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मदर के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे साथ में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।